हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो क्लास सिक्स वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर फोर, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर बुक्स पार्ट एंड स्टार्टेड द बरियल सेक्शन आल्सो। वी लर्नड अबाउट द मेगालिथ्स एंड द सिस्ट व्हिच इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मेगालिथ्स वी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। एंड टुडे वी विल कवर the new topic which is related to the megaliths, like finding out about social differences. Class 6, when we talk about the megaliths and their objects also, the objects which were found with the dead bodies, like the tools, weapons, and so many things like horses, skeletons, horses, equipment, all these things they were found under the earth with the buried body. Yes. So is there any difference? Kuch aisa difference hoga ki we can like relate ki this body is related to a rich person and ye kisi king ki body hai, ya phir jaisa humne mention kiya this is the body of Das, huh? Or the wish, huh? Kaise hum categorize karenge? To exactly archaeologists ne dekha. लाइक स्केलेटन्स के साथ डेड बॉडीज से वी कैन नॉट रिकोगनाइज, लाइक ह्यूमन बींग्स के जब हमें स्केलेटन मिलेंगे तो वी कैन नॉट रिकोगनाइज कि किंग का है या फिर किसी दास का है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वी फाउंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हमें बता देंगे अगर किसी ग्रेव में ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लाइक एक स्केलेटन के साथ 30 गोल्ड बीड्स मिले, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवेन, 2 स्टोन बीड्स मिले, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल, ऑल दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, हाँ कॉस्टली है। एंड कुछ स्केलेटन्स के साथ बहुत बहुत थोड़े से पॉट्स मिले, नॉर्मल पॉट्स। सो इट इज़ क्लियरली लाइक मेंशन दिस थिंग कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी इज डेफिनेटली रिलेटेड टू अ रिच पर्सन। एंड वेन वी फाउंड वन पॉट, जब हमें एक पॉट मिलेगा तो उस पॉट से भी हम एस्टिमेट लगा पाएंगे कि ये कोई पॉट जो है ये किसी नॉर्मल पर्सन, एक कॉमन ऑर्डिनरी मैन का है। सो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी केम टू नो, एंड आर्क्योलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स वर डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक एविडेंस दैट वी हैव कि सोशल डिफरेंसेस वर देयर। वहाँ पर उस टाइम भी डिफरेंसेस हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वी कैन लाइक रिकॉग्नाइज कि हाँ ये बॉडी किस से रिलेट करती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट वन यू कैन सी लाइक नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, कि कुछ फैमिलीज के कुछ बरियल बॉडीज होंगे कि हमें पता चल जाए कि यस। सो बिल्कुल आपके पास बहुत सारे बरियल साइट्स हैं एंड उस बरियल साइट्स में बहुत एक साथ अगर ग्रुप में हैं तो कई बार ये भी शो हुआ कि ये सेम फैमिली के पर्सन हैं और साथ साथ इनको बरिड कर दिया गया, इवन द मेगालिथ्स वर इरेक्टेड। तो यहाँ से भी एक पॉइंट क्लियर होता है हमारे पास। सो ऑल दीज आर वी कैन, बेटा आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं क्लास सिक्स, कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद द एविडेंसेज, हम जुड़ते जा रहे हैं, है ना। सो समटाइम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, एक साथ ज़्यादा मिल जाएँ, आस पास मिल जाएँ तो क्लियर हुआ दैट बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। हाँ, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। तो आपने देखा जैसे हमने ऊपर सर्कुलर मोशन में जो स्टोन्स को अरेंज किया गया था और एक होल भी कनेक्ट किया गया था वहाँ पे, वहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया मिला कि इस तरीके से फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को भी सेम एरिया में बरिड किया गया। वन मोर एग्जांपल इज गिवन, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट बरियल साइट एट इनाम गांव, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। एंड दिस हेयर एडल्ट्स वर जनरली बरिड इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, sometimes burials when within the houses vessels। अब कुछ साथ में और भी bodies मिली, like bodies के साथ vessels found किए गए जिसमें food and water were placed with the dead bodies। क्यों रखा जा रहा है बच्चा ये सब? One man was found buried a large legged clay jar in the courtyard of 5-roomed house।
ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट है जिसको एग्जैक्टली उसी के साथ बरिड कर दिया गया। ये सब चीज़ें क्या है, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट एंड दे हैड अ ग्रेनरी ऑल्सो। ग्रेनरी मीन्स जहाँ पर ग्रेन्स को, ग्रेन्स अनाज को स्टोर किया जाता है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। ये सब चीज़ें क्या हैं बच्चा, ऑल दीज थिंग्स वर बिलीव्स, जो शायद उनको उस टाइम लगता होगा कि ऑल दीज आर लाइक इनको काम आने वाला है इन द नेक्स्ट बर्थ। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, इवन द फूड प्रोडक्ट्स, ये सब साथ में बरिड कर दिए जाते हैं। ऑक्यूपेशंस क्या होंगे इन आम गांव के, जब जिसके बारे में हमने पढ़ा, बिकॉज हमें आर्कियोलॉजिस्ट को व्हीट मिला है, बारले मिला, इट मीन्स दीज पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर। बोन्स मिले बहुत सारे एनिमल्स के, बोन्स का मिलने का मतलब भी अगेन क्या है, डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स को रखा जा रहा है। दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गॉट, मैनी एनिमल्स दे फाउंड। देयर इज एविडेंस फ्रूट्स, बेर, आंवला, जामुन, ये सब भी इनके सीड्स मिले। सीड्स मिलने से आइडिया लग गया कि दीज पीपल वर कलेक्टेड ऑल दीज थिंग्स, एंड कौन से एनिमल्स के वो कनेक्शन में थे। तो ये सारे चीज ऑक्यूपेशन कनेक्ट किया गया एविडेंसेस। सो एविडेंसेस की